नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं प्रियांक सौरभ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंड का मौसम शुरू हो चुका है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस बार सप्ताह की शुरुआत हम लोग गीत संगीत के साथ करेंगे और इस गीत संगीत के साथ आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ हमारे भोजपुरी के तेजी से उभरते कलाकार, एक प्रसिद्ध कलाकार के रूप में जाने जाने वाले महेश लाल यादव जी का। महेश लाल यादव जी, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। नमस्कार, प्रणाम। हम भोजपुरी गायक महेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव के परम शिष्य, बिहारी न्यूज में मेरा बहुत स्वागत, अभिनंदन मिला, बहुत आशीर्वाद मिला और प्यार मिला और मुझे विश्वास है कि और आगे भी मिलेगा। महेश लाल यादव जी, सबसे पहले आप अपने बारे में विशेष कुछ बता दें, हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। जैसा कि मैं बता दूं कि इस बिहारी न्यूज में मैं आया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मुझे प्यार मिला और आशीर्वाद मिला कि जो कि मुझे देखने को आज मिला। मैं सुना था बिहारी न्यूज, लेकिन आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब मैं कुछ बता नहीं सकता इससे ज़्यादा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। महेश जी, सबसे पहले गीत संगीत के लिए, गीत संगीत के क्षेत्र में आप एक बहुत ही उभरता हुआ नाम है। और दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं, महेश लाल यादव जी उत्तर प्रदेश बलिया के हैं और ये आज हमारे खास कार्यक्रम में, हमारे इस खास प्रोग्राम में शामिल हैं, हिस्सा बने हैं इसके। और इस कड़कड़ाती हुई ठंड भले ही शुरू होने वाली है, और ठंड तो शुरू हो चुकी है और हमें विश्वास है कि अब आप रजाई के अंदर बैठे हुए हैं, तो रजाई के अंदर बैठकर भी आप हमारे इस कार्यक्रम का मजा लीजिए। और हमारे साथ महेश लाल यादव जी जुड़ चुके हैं, इनके साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। महेश लाल यादव जी, सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि गीत संगीत के प्रति आपका रुझान कब से हुआ और कैसे हुआ? मुझे पढ़ाई पीरियड से ही मुझे शौक था और जहाँ भी मैं अपने गाँव में जहाँ भी छोटा मोटा प्रोग्राम होता था मैं जाया करता था। अब मुझे अंदर से एक ऐसा हौसला, और चाहे लोगों के जहाँ भी हम सुनाते थे कुछ जी। जाते थे, मौका मिलता था तो थोड़ा बहुत मैं कुछ गा दिया करता था, लोगों का अच्छा लगता था। और मेरे बड़े भाई हैं पिंटू यादव, उनका बहुत आशीर्वाद मिला और बोले मेरा भाई आगे मेहनत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे मेहनत करो। तो फिर मैं अपना गुरु जी का आशीर्वाद लिया, खेसारी लाल यादव जी का, उनका बहुत आशीर्वाद प्यार मिला। और भोला बाबा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नन्हे चाचा और राजू मिश्रा जी हैं, अजय पांडे, बहुत ऐसा सारे लोग हैं कि मुझे इतना आशीर्वाद दे के यहाँ तक ला दिए, मैं इसका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। तो ज़्यादा कुछ क्या बताना है, और आप लोग हैं तो महेश जी, क्यों ना हम लोग एक भोजपुरी गीत, मतलब भक्ति गीत से शुरुआत करें इस कार्यक्रम का, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में भगवान का नाम ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो शुरू करें क्या? प्रेम से बोलिए, सच्चे दरबार की जय। तो मैं चाहता हूँ कि पहले अपना गीत सुनाता हूँ, उसका बाद फिर मैं अपना गुरु जी का भी सुना दूंगा, क्योंकि आप लोग उन्हीं के माध्यम से मुझे इतना आशीर्वाद दे के आप लोग यहाँ तक मुझे ला दिए हैं, इससे बड़ा मुझे खुशी कभी नहीं मिल सकता है और आप लोगों का जीवन मैं वो चीज़ रहूँगा। तो मैं सुनाता हूँ अपना पहले गीत। मेरा अभी इस नवरात्र के महीना में मेरा एक गीत बजा था, आप लोग बहुत काफ़ी आशीर्वाद वीडियो का दिए थे, स्टार सोनी फिल्म के माध्यम से आया था, और मैं वो गीत थोड़ा सा सुनाऊंगा और आगे ही बहुत कुछ सुनाना है मुझे, ताकि आज तो मैं सुनाता हूँ। कि मानवा में ही है लागल बा ललसा तनी पुराई हो, मानवा में ही है लागल बा ललसा तनी पुराई हो, माई थावे वाली के मिला है सैया तनी घूमई हो। एक औरत अपने पति देव से कहती है नवरात्र के महीना में कि मुझे थावे के मेला घूमना है, और पतिदेव से कहती है, कैसे कहती है तो मैं सुनाता हूँ। कि मानवा में ही है लागल बा ललसा तनी पुराई हो, माई थावे वाली के मेला है सैया तनी घूमई हो। आप लोग बताएंगे गीत कैसा था और आप लोग आशीर्वाद दिए थे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, गीत संगीत से भरा हुआ कार्यक्रम। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश बलिया के खास मेहमान, एक भोजपुरी के उभरता नाम महेश लाल यादव जी, जिन्हें खेसारी लाल यादव का दूसरा रूप भी कहा जाता है। खेसारी लाल यादव इनके गुरु हैं और कहीं ना कहीं आप इनके लुक को भी देख कर कह सकते हैं कि खेसारी लाल यादव का पूरा छवि इनमें दिख रहा है, उनके चेला में दिख रहा है। तो
महेश जी, आप अपने गुरु का नाम लेकर, यानी आपके जो खेसारी लाल यादव हैं उनका नाम लेकर उनका कोई गीत सुना दीजिए। हमारे दर्शक बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। जी, मैं कभी भी मंच पर जाता हूँ जी तो मैं अपना गुरु जी का नाम लेकर एक गीत सुनाता हूँ सबका। उनके वो गीत से मुझे बहुत ऐसा प्यार मिल जाता है, पब्लिक मुझे बहुत आशीर्वाद और प्यार देता है और आजीवन देगा। वो गीत गुरु जी भी जाते हैं तो सुनाते हैं तो लोग लगता है मंच पर छछात माँ आ जाती हैं, तो मैं वही थोड़ा सुनाता हूँ। कि माटी के मूर्ति से तकेलूँ मुस्काई के, कि माटी के मूर्ति से तकेलूँ मुस्काई के, कि त गजब है रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के, कि त गजब है रूप सुहावन लागे दुर्गा माई के। बहुत आशीर्वाद मिलता है ये गीत सुनाता हूँ तो लोगों का। तो जैसा कि आप देख रहे हैं गीत संगीत का यह खास कार्यक्रम आज हम लोग मंडे को लेके आ रहे हैं। एक खास अपरिहार्य कारणों से हम लोग इस सैटरडे को नहीं ला पाए थे, लेकिन आप की जो मांग थी कि प्रत्येक सप्ताह में एक गायक आज हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं, तो महेश लाल यादव जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उस इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं और आपके इस शाम को संगीतमय बनाने का भरपूर प्रयास करने का हम लोग भरपूर प्रयास हम लोग करेंगे। तो महेश लाल यादव जी, सबसे पहले हमें यह बताएं, हमारे दर्शकों को यह बताएं कि आप मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं, उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद आपका नाता बिहार से कैसे जुड़ा? ऐसा बात है कि मैं पूरे यूपी और बिहार के लोग जानते हैं जी। कि महेश लाल यादव जो एक कलाकार है वो बिहार का ही रहने वाला है। मेरे पास जो भी लोग कॉल करते हैं पूछते हैं महेश लाल यादव जी, जियो छपरा के लाल चाहे जियो बिहार का लाल, मुझे लोग ऐसे आशीर्वाद देते हैं फेसबुक पर। जब भी मैं देखता हूँ तो सब लोग बोलते हैं बिहार का लाल, मैं बोलता हूँ अरे मेरा भाई मैं यूपी का रहने वाला हूँ। बहुत ऐसे देखता हूँ तो आशीर्वाद मिलता है, लोगों को बताता हूँ मेरा यूपी घर है। कि मैं एक्चुअली बता दूँ कि जो पूरा 300 दिन है महीना में, मैं 25 दिन पटना में ही रहता हूँ और बिहार में बहुत मुझे आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है। तो काफ़ी तरीक़ा से इसी तरीका लोग जानते हैं कि महेश लाल यादव एक बिहार का कलाकार है और उस तरीक़ा से मुझे आशीर्वाद मिलता है। तो जैसा कि आप देखें कि बिहार के से भी मतलब कहीं ना कहीं इनका नाता काफ़ी जुड़ चुका है, दिल का रिश्ता जुड़ चुका है और ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हैं। उत्तर प्रदेश के होने के बावजूद भी बिहार में इनका काफ़ी नाम है। महेश लाल जी के बारे में बता दूं कि ये आगामी कुछ भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, कृपया आप अपने भोजपुरी फिल्मों के बारे में कुछ बताएं। अभी मेरा हैप्पी न्यू ईयर के बाद अभी हैप्पी न्यू ईयर ही बता सकते हैं, अभी टाइम उसका है। मेरा एक फिल्म आ रहा है जिसमें अली खान बहुत बड़े काफ़ी अभिनेता हैं, उनका नाम है, आप लोग नाम जानते हैं। हमारे फिल्म आ रहा है तो से जुदा ना होइब कभी, उस मूवी का भी ट्रेलर आ जाएगा हैप्पी न्यू ईयर के बाद। और एक और मूवी आ रहा है मांग सजाइम खून से, उसमें आप लोगों का भाई सरदार का रोल निभा रहा है। और गोल्डी फिल्म के माध्यम से आएगा ये, और बहुत सारा आप लोग आशीर्वाद देंगे, प्यार देंगे, मुझे विश्वास है। तो उस फिल्म का कोई जुड़ा हुआ, उस फिल्म से जुड़ा हुआ कोई गीत आप सुनाएंगे हमारे दर्शकों? जी सुना सकते हैं, अभी एक मेरा साइड सॉन्ग आया था उस गीत में जाएगा, सुना देता हूँ। कि तोहसे प्यार करी ले कितना बताई का, इसी तरीका से गीत है, थोड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इसी टोन में है, तो मैं इस गीत के नहीं सुना के दूसरा गीत सुना सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मेरा लोकगीत आया था उसमें को थोड़ा सुना देता हूँ। कि चढ़ते ही लगनवा राजा लिखके आई त ढोली हो, बहुत ये लगन मुझे आशीर्वाद प्यार मिला था इस गीत को, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा सुना दूँ चैनल के माध्यम से, कि ताकि फिर श्रोता को वो चीज़ मिल जाए और उस गीत को आशीर्वाद मिल जाए। कि चढ़ते ही लगनवा राजा लेके आई त ढोली हो, औरत और बिरह के और वियोग में कहती है पतिदेव से अपन, कि चढ़ली जवानी मोरे जो बहन फारे चोली हो, चढ़ते लगनवा राजा लेके आई त ढोली हो, चढ़ते लगनवा राजा लेके आई त ढोली हो, चढ़ली जवानी मोर जो बहन फारे चोली हो। इस तरीका से औरत बताती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ महेश लाल यादव जी हैं और ये कुछ गीत हमारे साथ
मतलब हमारे इस खास कार्यक्रम को गुनगुना रहे हैं, आपका मनोरंजन कर रहे हैं, आप लगातार जुड़े हुए हैं महेश लाल यादव जी से, और आप इस लाइव कार्यक्रम के दौरान अपने भी फरमाइश भेज सकते हैं महेश लाल यादव जी से। हम उम्मीद करेंगे कि वह आपकी फरमाइश को गुनगुनाएंगे और आपके गीत को अपनी सुंदर आवाज़ से, अपनी मधुर आवाज़ से सुनाएंगे। तो महेश लाल यादव जी, आजकल बहुत ज़्यादा मतलब आपके जो गुरु हैं खेसारी लाल यादव का चर्चा है बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी, और हिंदी भाषी क्षेत्र ही ना सही और पूरा मुंबई वगैरह में भी उनका काफ़ी चर्चा है। तो उनका कोई खास गीत जो आपको बहुत पसंद हो? जी बहुत, बिल्कुल कोई सुनाए। अभी एक गीत बहुत बज रहा है, ठीक है, आप लोग ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं, मतलब हर जगह देखिए टेम्पू ऑटो रिक्शा ट्रैक्टर हर जगह बजाते हैं लोग, हम भी सुनते हैं बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि ये भगवान का ही दिन है और माँ का स्वरूप एक औलाद है, गरीबों का हम लोग एक लाडले हैं, गरीब घर के हम लोग, गरीबी पीढ़ी से आए हैं हम लोग, गरीबी को देखे हैं, लेकिन भगवान का कहीं उसमें ऐसा चीज़ मिल जाता है कलाकारों को, हम भी कभी नहीं सोचे थे इतने जगह पर हम आ जाएंगे। लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है कि आज बिहारी न्यूज़ पर हम आए हैं, आप लोग कुछ बता रहे हैं, तो ये कहीं भगवान का कृपा होता है। बहुत सारा ऐसा कलाकार है, माता रानी की कृपा हो जाती है। तो मैं एक कभी गीत उनका आया है, ठीक है, सुना देता हूँ थोड़ा सा, कि सबके डर से हुए हैं फरारे अब छपरा लौट के ना जाएंगे, ठीक है, सबके डर से हुए हैं फरारे अब छपरा लौट के ना जाएंगे, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे, नून रोटी खाएंगे जिंदगी संग बिताएंगे। बहुत आशीर्वाद मिलता है गीत का, हम भी इस गीत को गाते हैं तो पब्लिक इतना प्यार देता है, आशीर्वाद देता है कि मैं बता नहीं सकता हूँ। तो महेश जी, आपको मैं बता दूं कि इस सही में इस गीत को दर्शकों ने बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया है, आजकल इस पर बहुत सारे तर्ज भी निकल गए हैं, भले ही एक व्यंग्यात्मक रूप से लिया गया था, एक सच्ची घटना से लिया गया था यह गीत को, और उस पर जो खेसारी लाल यादव है उन्होंने गीत को गुनगुन अपनी आवाज़ दी थी और वो काफ़ी हिट हुआ, और उस पर छठ के भी गीत आए और तरह तरह के तर्ज बनते चले गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े, उन्होंने अक्सर कई जितने भी गायक आए सबका सबसे उन्होंने इस गाने के लिए फरमाइश किया, और फिर मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ बहुत सारे दर्शक आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं और आपके लिए भी बहुत सारे फरमाइश दे रहे हैं। तो आपको एक नीरज कुमार जी हैं, वो बता रहे हैं पवन सिंह का एक गाना, पवन सिंह का कोई गाना सुना दीजिए। पवन सिंह का गाना सुना देता हूँ, उनका बहुत, अभी जब उनका कोई कुछ नहीं था तो उनका गीत एक ही गीत से बहुत यूपी बिहार मुंबई जहाँ भी देखिए गीत बहुत बजा था, कि जब लगावे लू तू लिपस्टिक हिले लाया रहा डिस्टिक लाली पहप लागेलू झीला टहप लागेलू कमरिया कमरिया करेला पलप लाली पहप लागेलू कमरिया करेला पलप लाली पहप लागेलू। बहुत आशीर्वाद मिला उस गीत को, हम भी लोग देखते हैं ऐसे ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारा स्टार लोग हैं, दिनेश जी हो गए, पवन जी हो गए, हमारे गुरु जी हो गए, हम लोग देख के ऐसा कुछ सीखने को मिल जाता है कि हम लोग अब श्रोता का नहीं बता सकते हैं, श्रोता हमारी भगवान होती है, जिनके आशीर्वाद से हमारे घर में रोजी रोटी चलता है वो हमारे भगवान होते हैं, तो हम लोगों को नहीं बता सकते हैं, हम लोग अब क्या उसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहूँगा। आपका बहुत सारा एल्बम आया जी जो कि मार्केट में काफ़ी हिट है, भोजपुरी गीत के माध्यम से आप दर्शकों के साथ बने हुए हैं, मार्केट में आपकी एक पहचान है, तो आप अपने एल्बम के बारे में कुछ बताएं, उससे जुड़ा कोई गीत सुनाएं। एक सैड सॉन्ग सुना देता हूँ जी जी, कि तू तो पियाबा के बाग में फू ला गईलू हो। एक प्रेमिका था, अपने प्रेमिका से बोलता है, कैसे बोलता है, जब धोखा खा जाता है, चोट खाता है, तो कोई भी इंसान अपने दुख के बारे में रो देता है, सर आप जानते हैं, तो बिहारी न्यूज में मैं ज़्यादा कुछ नहीं भूलूँगा, ताकि मैं थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ, मुझे भी कुछ हो गया है ऐसा प्रेमी से, मैं भी धोखा, कोई भी इंसान है हो जाता है ऐसा टाइम पर, तो मैं सुनाता हूँ, कि तू तो पियाबा के बाग में फू ला गईलू हो, तू तो पियाबा के बाग में फू ला गईलू हो, हमरा लागता जान तू भो ला गईलू हो, हमरा लागता जान तू भो ला गईलू हो। बहुत आशीर्वाद मिला इस गीत को, मैं कभी सोचा नहीं था, और अब क्या बताएं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, महेश लाल यादव जी का फीलिंग जुड़ा हुआ है इस गाना के साथ, और इन्होंने कहा है बहुत ही आशीर्वाद मिला है, सही बात है, इनका
जब किसी भी चीज़ में आपका अपना अनुभव जुड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो दिल से निकलता है, और दिल से निकला हुआ गीत, इनकी जो गीत है वो काफ़ी लोगों ने सुना, बहुत ही प्यार दिया, और महेश लाल यादव जी आज भी उस गीत को गाते हैं और बताते हैं। थोड़ी देर के लिए महेश जी हम लोग थोड़ा सा कमेंट्स में हमारे दर्शकों के बारे में कुछ चर्चा कर ले। दर्शक लगातार आपके साथ हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं, आपका आपको प्यार दे रहे हैं। बलराम बुल्लू यादव जी बोल रहे हैं गजब, मेरा बहुत प्यारा मित्र है, और मुझे पटना में जब भी आता हूँ मुझे लगता है कैसा मेरा मित्र है, दिल में रहता है मेरा, मैं जो बोल अब हम लोग नहीं बता सकते हैं मेरा कि हमसे भाई कितना प्यार करता है। हमारे रवि प्रताप भैया हैं बहुत हमसे प्यार करते हैं, संजीव भैया हो गए ऐसे आशीर्वाद देते हैं उन लोग, अब मैं नहीं बता सकता हूँ, वो लोग हमारे भगवान की तरह हैं। तो और उसके बाद आप देख रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे दर्शक हैं, आपके फैंस जुड़ चुके हैं जी, उनका नाम लेना बहुत ही जरूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि हमारे भगवान होते हैं। बिल्कुल, तो बलिराम बुल्लू यादव जी हो गए हैं, वो झकास बोल रहे हैं, रवि प्रताप जी वो जय हो कह रहे हैं, प्रेम कुमार एस जय हो बोल रहे हैं, और प्रेम कुमार जी जय माता दी बोल रहे हैं, जय माता दी प्रेम, जय माता दी, और नीरज कुमार बता रहे हैं बहुत अच्छा इंटरव्यू जी, धन्यवाद, हमारी कोशिश है कि हम आपके बीच में इसी तरह के बेहतर से बेहतर इंटरव्यू लेते रहें, और अच्छे से अच्छे गायक जी महेश लाल यादव जी की तरह और भी बहुत सारे गायक हमारे साथ जुड़े हैं, और भी ऐसे हम कार्यक्रम लाते रहेंगे, हमारा पूरा उम्मीद है और हम पूरा प्रयास करते रहेंगे। हमारे साथ फिलहाल महेश जी, आप अपने एल्बम से कोई गाना हमें सुनाएं, पुराने एल्बम से जो आपके आपका जो बहुत दिल के करीब हो। एक मेरा 2013 में आया था एल्बम, पहला एल्बम मैं किया था जिस टाइम मैं सीख रहा था कुछ, तो भक्ति सॉन्ग था, लेकिन उस जब भाजपा का पूरा लहर था। अच्छा, तो मैं सुना देता हूँ ताकि उन लोगों का भी आशीर्वाद मिल जाए जी जी। तो एक मेरा गीत बज गया था पूरा यूपी बिहार हर सारे जगह से कॉल आता था मेरे पास। अच्छा, कि भैया बहुत अच्छा आप ये आपका सॉन्ग है आप, तो मैं वही थोड़ा सुना देता हूँ, मोदी जी के ऊपर मैं गा दिया था। अच्छा, तो मैं सुना देता हूँ आप लोगों को बीच में, कि मैया मोदी के गोदी उठा ली हलू, सीएम से पीएम बना दी हलू, मैया मोदी के गोदी उठा ली हलू, सीएम से पीएम बना दी हलू, ऐसा गीत था, बहुत आशीर्वाद मिला था उस गीत को। बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, नीरज जी जिन्होंने फरमाइश किया था गीत के लिए, पवन सिंह के गीत के लिए उन्हें शुक्रिया कहा है आपको, और भैया आपके लिए जी बहुत सारे दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका लगातार आपका प्यार मिल रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हमारे बहुत सारे दर्शक लगातार बोल रहे हैं जी, और हमारे साथ मसूरी लाल यादव भी जुड़ चुके हैं जी, मसूरी जी प्यार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद मसूरी जी, हम अपने तरफ से भी आपको बोलना चाहते हैं, हैं जी बिल्कुल, हम लोग एक ही गुरु के शिष्य हैं, बता देता हूं मैं भी। अच्छा जी जी, बताए थे उन्होंने भी, मसूरी लाल यादव जी हमारे मतलब, गुरु जी के शिष्य हम लोग दोनों एक गुरु भाई हैं, मतलब खेसारी लाल यादव को अगर एक पेड़ माना जाए तो मसूरी लाल यादव और महेश लाल यादव उसके तना है, और पता नहीं इस तना से कितनी पत्तियां अभी निकलनी बाकी है, यानी यूं कह सकते हैं कि आने वाले समय में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव ने भोजपुरी को एक नया पहचान देने का काम किया है बिहार से, हालांकि इससे पहले बहुत सारे गायक निकले हैं, उन्होंने एक नई पहचान दी है जिसमें महत्वपूर्ण योगदान खेसारी लाल यादव का भी है, तो खेसारी लाल यादव के चेला जो उनसे इंस्पायर होकर बहुत सारे उनके फैन उनकी तरफ बनना चाहते हैं, जिसमें से महेश लाल यादव जी, मसूरी लाल यादव, इनसे पहले बहुत सारे गायक हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों में भी वो काफ़ी फेमस है। तो महेश लाल यादव जी, मैं एक चीज़ जैसा कि मैं आपके बारे में जान रहा हूँ, मैं थोड़ा सा निजी चर्चा मैं कर लूँ, कि जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि बिहार के जो शान कहे जाते हैं खेसारी लाल यादव काफ़ी नीचे से ऊपर उठे हैं, मतलब एक गरीबी से एक लिट्टी चोखा की दुकान चलाने वाले आदमी आज इतना बड़ा स्टार बन गया, और कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि आप भी काफ़ी नीचे से उठे हैं और काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा है आपका, आप अपने बारे में कुछ बताएं कुछ इस तरह। मैं भी बता दूँ पूरे भोजपुरी श्रोता को जो भी हमसे प्यार करता है, आशीर्वाद देता है मुझे, मैं भी अब मिला दिया जाए तो हम भी उसी परिस्थिति से गुजरे हैं, हम भी पहले छोटे थे तो पढ़ के आते थे तो पिताजी मुझे बोलते थे अरे बाबू खेत में गोइल बाड़ी से भैंस थोड़ा उकड़ा के घर पे लेते आओ, शाम हो गया है, और हम भी भैंस चराए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लोग समझेंगे कि नहीं कुछ ऐसा बात नहीं, लेकिन हम बताए थे अपने परिस्थिति, अपने घर का परिस्थिति, क्योंकि मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूँ अपने बारे में बताना वो चीज़ है, तो ये बिहारी न्यूज़ में मैं आया हूँ तो लोग पूछ रहे हैं तो बता देता हूँ जी। हम भी जब कॉलेज में जाता था पढ़ के आता था तो ऐसा भैंस चराते थे, और फिर उसके बाद
बहुत ऐसा चीज़ है कि मेरा बड़ा भाई का प्यार नहीं मिलता है। हम लोग दो भाई साथ में पढ़ते थे, मेरे जो बड़े भाई हैं पढ़ाई पीरियड से हमसे बहुत तेज थे, लेकिन उनका थोड़ा दिमाग वो हो गया, तो मैं उनका बनारस BHU पूरा हर जगह जाके इलाज कराने के लिए तभी ठीक नहीं हुआ। अभी मेरा भाई का मैं आप लोगों को बता दूँ, अब सुनाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा चीज़ है लेकिन न्यूज़ पर बता देता रहूँ। मेरा भाई अभी 4 साल हो गया भैया लोग, अभी मेरा भाई का कोई आता पाता नहीं है, जो कि मेरा बड़ा भाई का प्यार आशीर्वाद नहीं मिलता है। और मैं क्या बताऊं, उस परिस्थिति से यहाँ तक आ गया हूँ इस न्यूज़ में। मतलब 4 साल क्या अभी मेरा जो हमसे जो है? हाँ जी, और अभी उनका कोई पता नहीं है। जैसे मैं पता करवाता हूँ ऐसे जो अंतरात्मिक लोग बताते हैं, तो नाम हम कढ़वाते हैं तो लोग बोलते हैं कि पश्चिम साइड में है आपका भाई, कहीं कोई लोग रखा है उसको। नाम उनका क्या है? नाम गणेश कुमार यादव उनका नाम है। गणेश कुमार यादव। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, महेश लाल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत ही मार्मिक घटना और अपने जीवन का एक बहुत ही संवेदनशील चीज को आज हमारे सामने साझा उन्होंने किया है। बहुत ही भावुक वो हो चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप दर्शकों के माध्यम से गणेश जी का जो मिलन है वो महेश जी के साथ हो जाए और इनके परिवार, इनके बिछड़े हुए भाई बहुत जल्द हमारे बीच में आएँ। और हमें पूरा उम्मीद है महेश जी की, हमारे दर्शक आपके लिए भरपूर प्रयास करेंगे और ईश्वर से हम कामना करते हैं, हमारे दर्शक भी कामना करेंगे कि आपके भाई साहब जो बड़े भाई हैं वो वापस आएँ और बहुत जल्द आपके बीच में होंगे, हमारे पूरी विश्वास है। आप पटना में हैं, पटना का बहुत ही फेमस महावीर मंदिर है, पूरे लोगों तो उनका भी आशीर्वाद उनके साथ है। मैं बता दूं कि इस बारे में कहीं चर्चा नहीं करता हूं, बहुत मेरे भाई हैं जो आशीर्वाद मुझे खास तौर अपने दिल में जो देते हैं उन लोगों को बता दिया हूं। और मेरा पूरा प्रयास जारी है कि मेरा जहां भी भाई है, मेरी मैं माँ से भी अपने विनती करता हूं और अपने जो भी हैं भाई हमारे जहाँ भी सलामत रहें, ताकि जब भी मेरा नाम कहीं सुने तो मेरा भाई, ऐसे मतलब परिस्थिति हम देखे हैं कुछ का दिमाग घर पे एक बार आए थे जी। तो फिर उनको दवाई हम चलवाए थे तो अच्छे हो गए थे, लेकिन वो पूरा ऐसे दिमाग उनका नहीं काम करता है, मुझे लग रहा है कि उसी तरीक़ा से कहीं होंगे। तो मैं भगवान से विनती करता हूँ, आप लोग मेरे भगवान हैं, आपसे ही हम भोजपुरी श्रोता से बोलना चाहता हूँ कि मेरा भाई जहाँ भी है सही सलामत घर पर आ जाए। मेरा घर का परिस्थिति ऐसा है कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो मेरी माँ कभी कभी रोने लगती है, पिताजी भी कभी बोलते हैं कि बाबू तुम कहीं भी रहते हो तुम्हारा टेंशन बना रहता है, तुम्हारा बड़ा भाई है उस बाहर ही रहता है, उसका कोई पता नहीं है, तुम बाहर रहते हो तो बहुत मतलब ऐसा चीज़ है। घर का परिस्थिति मैं बता देता हूँ, मतलब मैं सुनता हूँ तो मुझे, अब घर पर जाता हूँ तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं एक और घटना मेरे साथ घट गया था, मेरी हमसे जो बड़ी बहन है शादी किए थे, साल भर शादी का हुआ था लेकिन मेरी जीजा एक्सपायर कर गए थे मुंबई में। तो अब कैसा ऐसा घटना है, लेकिन महेश लाल के पास आता है, लेकिन ऐसा दिल है मैं सब कुछ देखता हूँ, हर चीज़ मैं गरीबों के साथ भी रहता हूँ हर जगह, सब प्यार आशीर्वाद मिलता है तो नहीं बुझाता है सबका प्यार आशीर्वाद। महेश जी बहुत ही दुख हुआ आपके बारे में, कुछ निजी बातों को हमने उजागर करने की प्रयास किया और क्षमा चाहते हैं कि आपके जख्मी दिल को कुरेदने की वजह से आप थोड़ा सा आहत हो गए। हालांकि मैं उम्मीद करता हूं कि भगवान आपके कष्ट को बहुत ही जल्द दूर करेंगे और आपके भाई साहब, हालांकि कुछ चीज़ों को हम लोग बदल नहीं सकते हैं, कुछ चीज़ों को जो है वह बदला नहीं जा सकता है, लेकिन हम उसमें समय बदल जरूर सकता है, बड़े परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन समय के साथ साथ आप उस चीज़ को वो घाव जरूर भर सकता है और हम उम्मीद करते हैं वो घाव जल्द से जल्द भरेगा और आपके भाई साहब भी वापस आएंगे। तो एक अपने भाई साहब को डेडिकेट करके कोई गाना सुनाएंगे आप हमें? अभी ऐसा मेरा उस अभी परिस्थिति में नहीं सुना सकता हूँ। अच्छा, जो जी बिल्कुल कोई बात नहीं, जो अभी हमसे जो लोग प्यार करते हैं जिनके आशीर्वाद से मैं कुछ गाता हूँ, कितना भी संकट आता है लेकिन उन लोगों के लिए मेरा दिल ऐसा हो जाता है, सुना देता हूँ लेकिन अभी ऐसा आप लोग देख रहे हैं तो इसी के साथ साथ आप कुछ देख लीजिए और बताइए। अब पूरा मेरे भोजपुरी श्रोता है मुझे आशीर्वाद देते हैं तो मुझे विश्वास है कि हरदम मिलेगा और मिलता ही रहेगा। आप अपने एल्बम के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बता दें। मैं जब भी एल्बम डालता हूँ तो ऐसा प्यार मिलता है जैसे मेरे गुरुजी को मिलता है, बहुत आशीर्वाद मिलता है मुझे, बहुत मुझे दिल में खुशी आता है। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स लोग कॉल करते हैं कि भैया आपका गीत आया है, हम शेयर किया है और हम लोग बजाते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, हम बोलते हैं लव यू भाई मेरा। ऐसे ही आप लोग अपने भाई को प्यार आशीर्वाद देते रहिए, हमारे लायक कोई सेवा है तो पैसे पर बड़ा चीज़ नहीं होता है, मैं हर दुख सुख में शामिल रहता हूँ, कहीं भी कार्यक्रम होता है तो मैं अपने जो भी हमको चाहने वाले होते हैं वहाँ पर जाते हैं हम, तो बहुत आशीर्वाद प्यार मिलता है लोगों के साथ मैं जाता हूँ तो मुझे अजीब एक फील होता है
उस चीज़ के बारे में अब क्या बताएं। चलिए, बहुत सारे दर्शक आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि रवि प्रताप यादव जी बोल रहे हैं माता उनका जरूर ध्यान देती होंगी। माता उनका जी, बिल्कुल रवि प्रताप जी, धन्यवाद। हम सब महेश लाल यादव जी के साथ हैं और महेश लाल यादव जी आपके साथ पूरा दर्शक जुड़े हुए हैं, वो आपके लिए कामना करते हैं और भगवान से कामना हम सब करते हैं कि आपके साथ जो भी बुरे दिन थे वो बीत गई हैं और आपके लिए अब अच्छे दिन की शुरुआत हो चुकी है। भले ही थोड़ा वक्त लगेगा कुछ चीज़ों को भूलने में, लेकिन वो चीज़ तो, हालांकि लाइव कार्यक्रम के दौरान हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही निजी बातें कर ली इसके लिए, और हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं जैसा आपका इच्छा। जी जी, तो महेश लाल यादव जी, आप हमारे दर्शकों को जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? हम यही बोलूँगा कि जैसे आप लोग प्यार करते हैं हमसे, हमको विश्वास है और मुझे पता है कि आप लोग ऐसे मुझे प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे। और आप लोग भैया अपने भाई को देखते हैं ऐसे ही, आप लोग प्यार दीजिए अपने भाई को ऐसे ही जैसे दिल टूटा है आप लोग इस हम कहीं भी जाता हूँ तो मुझे दिल जो टूटा है वो भर जाता है जो आप लोग प्यार देते हैं। तो मुझे पता है आजीवन मुझे मिलेगा और मिलता ही रहेगा, मेरा गुरु जी का भी बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ऐसे मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा जो ट्रेलर फिल्म आ रहा है आप लोग आशीर्वाद दीजिए उसको और आगे शेयर कीजिए। और अब बहुत कुछ है अभी और आगे आने वाला है मेरा प्रोजेक्ट, अभी हैप्पी न्यू ईयर का आ रहा है एल्बम, तो आप लोगों के बीच में आ जाएगा। तो मैं मेरा पूरा प्रयास जारी है कि आप लोगों के पास मैं भेज दूं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ महेश लाल यादव जी जुड़े थे, जिनके बारे में आपने उनके संघर्ष की भी कहानी सुनी, उनके मधुर आवाज़ में गीत संगीत का भी मजा लिया और इनके आने वाली कुछ फिल्मों के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से हम लोग महेश लाल यादव जी के साथ कार्यक्रम शूट करेंगे और आपके सामने एक बार फिर से हम महेश लाल यादव जी के साथ रहेंगे और उस दौरान हम इनकी और भी बहुत ही बेहतरीन गीतों के साथ आएंगे। तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ महेश लाल यादव जी को, उन्होंने एक बहुत ही व्यस्त शेड्यूल के दौरान हमारे साथ काम करने के लिए हमारे लिए एक खास समय निकाला। और एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज, मैं प्रियांक सरोप, धन्यवाद।